आज तो मैं कई एक कहानी से मुबारक मुख्तलिफ सुनावगा जिन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालुकात का हक बयान किया है। किधरे बेटियां का ताल्लुक, किधरे औलाद सारी का ताल्लुक, किधरे वालिदैन का, किधरे हमसाया का, किधरे दोस्त अहबाब का, और उन्होंने की हक है। और बंदा मोमन जरा वे जिसके अंदर बंदियां वास्ते रहम नहीं, फरमाया कोई खैर नहीं, जिस बंदे अंदर रहम नहीं, प्यार की मुहब्बत का जज्बा नहीं, फरमाया बंदा खैर तो खानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यरहमुन्नास बल ला यरहमुन्नास, जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दे बंदे उत्ते रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उत्ते कोई रहम नहीं करता। जेड़ा बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला दिया रहमत अपने आप को मुस्तहक बनाए, उन्होंने फिर चाहिए कि खुदा की मखलूक के नाल मुहब्बत करे, प्यार करे और रहम खाए। बेरहमा बंदा दे खैर कोई नहीं, और अल्लाह ताला दे कोलों भी रहमत नहीं पा सकता। एक बदवी सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के नाल प्यार करते सन। अल्लाह के रसूल अपने नवासिया और नवासिया के बोसे भी देते सन, प्यार के नाल उठा लेना फिर मुंह से मत्था चुकना, और अल्लाह के रसूल को अपनी सलाह के नाल बड़ा प्यार से। कई बार आपने इन्होंने उठा के अपने बच्चों नवासियों नवासियों चुक के नमाज पढ़ाई, जी आप की सब तो वड्डी बेटी सन हज़रत ज़ैनब, उन्होंने बेटी अगों उमामा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्होंने चुकिया तो उठा के नमाज पढ़ाई, सहीदे गैर ने थले पा दिता फिर हसनैन करीम ऐ दसरा आते उत्ते मसा उकार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार दे मुहब्बत दे जज्बात दे नाल कोई बेताबी की कफीयत, अल्लाह दे रसूल मिंबर तो थले उतरे, बच्चे नूं उठा लिया अपने कोल लिया पाई, फिर खुतबा दिता। अल्लाह दे रसूल ने अपने बच्चों का गुस्सा लिया, एक साफी सन बदली, अल्लाह दे रसूल तुसीं भी बाला का मूँह चौंदे हो। मैं आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल में जो रहम काट लिया तो मैं नहीं कर सकता। जिस बंदे दे दिल शफकत है, नरमी है, रहम है, मुहब्बत है, उसे प्यार ना मिलता है तो बच्चे से जो आते हो बंदा बेच उस बेताब हो जाता है। औलाद जी है खास शफकत होती, फरमाया कि अगर तेनों बड़ा अजीब लग्या तो तू अपने बच्चे का मूँह नहीं झुकता, तू प्यार नहीं करता, तो फिर अल्लाह ने अगर तेरे दिल चो रहम कट लिया तो फिर मैं तो नहीं पा सकता। रहम जेड़ा वे जेड़ा भी बंदा अपने किसी ताल्लुक के नाल मुहब्बत के रहम वाला मामला कर हदीस में आता है फिर अल्लाह ताला की रहमत का भी बंदा पूछ रहे। एक औरत आई कि उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कोल एक औरत आई, उन्हें आके कुछ सवाल किया
कि मैनू कोई दो खाने वास्ते कोई रोटी पई हो दे दो, कोई सालन दे दो, कोई चीज है वो दे दो, घर में सवाल करने वास्ते आई। तो घर में उस वक्त कोई चीज नहीं सी, उन्हें होना अपनी दो बच्चियों उठाया, दो बच्चियों एक नु एक बाह उत्ते दूजी नु दूसरी बाह उत्ते। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हां नु वेख्या टोलिया कर एक खजूर मिल गई, वो खजूर ही उन्हें दित्ती रह गई मेरे को इस वक्त ही। उस औरत ने वो खजूर जड़ी लई, अद्धी अद्धी कीती, अद्धी एक बेटी के मूँह पा दी, एक दूसरी अद्धी दूजी के मूँह पा दी। खोखू अपने आप में भी लगी सी, अपने कुछ ने बचे वेख्या इस तरह आई है, भुख लगी सी, बच्चे भी उठाए ने, लेकिन एक खजूर साढ़े को मिली है, उन्हें असर दी, बच्चे तकसीम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लिया है तो उम्मुल मोमिनीन ने सारी गल दसी कि अल्लाह रसूल एक औरत आई सी, बच्चा वाली सी, खान वाला पास पूछ रही थी, उन्हें सवाल किया हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने दसिया कि उन्हें फिर खजूर अद्धी दी करके उन्हें मुंह च पा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मने बतौली मिन हाज़िहिल बनात बिशय्इन فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ آپ نے فرمایا جڑا بھی کوئی انہاں بچیاں دے نال آزمایا گیا اونوں اس اللہ تعالی نے آزمائش وچ پایا، اونوں بیٹیاں دتیاں نے تے پھر او بچیاں نوں پالنا ہے اور پھر انہاں دی بلوغت تک انہاں نوں پال کے پھر نکاح کر دے، شادی کر دے۔ वो अपने शौहरा के घर में चली जाती है, ये बंदा सारे अखराजात बर्दाश्त करता है, अगर वो बाप है या पिछे भरा है तो फरमाया जेड़ा भी इन्हां बेटियां दे नाल अजमाया गया कुन्ना लहू सितर मिनन्नार, अगर वो बंदा गुनाहगार भी है तो ये बेटियां कल कयामत वाले दिन जहन्नम तो आड़ बन जाएंगे। ये अगे आ जाएंगे बाज लोग बेटिया का सवाल करते रहे यार ना नरीना रात दे नरीना बस आप बात ऐसा होता है कि इतना ना करे मुंडा अब एक ही होगी बहुत बात होता सारी जिंदगी बाल जाए नो रुसवा कर देता है ऐसे कई बात का नवाजे में चलते अल्लाह ताला देखो वो दुआ करनी चाहिए कि यार ना देर के साले औलाद दे जिन्हों बाद असे वेखे ने बंदे जिन्होंने सिर्फ बेटियां मिली ने और इन्होंने उन्होंने इन्ना सुख पाया इन्ना सुकून पाया अल्लाह ने फिर दवा दिते ने वो बड़े अच्छे दे दिते बेटियां हो या बेटे हो अल्लाह ताला दे कोलों दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह सारे औलाद अता फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बेटियां दे नाल अजमाया गया और फिर एक मुकाम ने आपने फरमाया असाई अलल अरबलते वल मिस्कीन कसाई फी सबील अल्लाह व अहसबहु कल कायम ला यक्तुर व कसाई ला यक्तुर। आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा बेबगान दी और मसाकीन दी खिदमत करदा है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दे कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा ही इस वास्ते किए होंगे कि मखलूक की खिदमत कर, उन्होंने मखलूक की खिदमत का जज्बा बहुत ज्यादा होता। नमाजा के रवी चोले नहीं पढ़ते, रोजे तो इन्हें नहीं रखते, फर्जी रोजे रखे, फर्ज नमाजा पढ़िया, लेकिन खलके खुदा की जी खिदमत है वह बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया कि जो बंदा बेबगान का ध्यान रखता है वो औरतें जो बेवा हो गई और फिर यतीम बचे ने और मसाकीन ने, फरमाया जरा उन्होंने जरूरियात को पूरा करता है, उन्होंने ख्याल रखता है, कसाई फी सबील अल्लाह, ये तो उस बंदे वालों है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है।
मुजाहिदीन जिन्हें सुहाबे समझते हैं, जो बंदा बसाकी का ध्यान रखता है, यतीम घर का ख्याल रखता है, जिस घर यतीम बच्चे बेबगान का ख्याल रखता है। एक वाकया मैं अचानक याद आ गया, सऊदी अरब का वाकया, और बार बार सुनिया बार बार सुनिया। कोई एक बंदा फौत होया, खाम दे विच उतों दे किसी शेख को आलम को इस गल की हुक्म दिता गया, इस गल की इतना तकलीफ फलां बंदा फौत हो गया, ओदा तुसी जाके जनाजा पढ़ाओ। बल्कि फौत होने तो पहलों जाके मिले और उन्होंने हुक्म दिता गया कि उमरा कराओ। पता किया जा उमरा कराया, वो बंदा फिर हरम के सही देख फौत हो गया, फिर वह जनाजा भी पढ़िया गया। फिर उसके घरदियों को पूछा गया कि कोई नेक अमल की सी, बंदा तो बुरा बड़ा इस तरह बेनमाज सी और शराब पीने वाला सी, उस तरह का बंदा सी, क्या है सारे काम देखते सन, एक काम का बड़ा अजीब सी, सारा दिन जो मजदूरी करके आता सी तो साढ़े घर के नाल गुआढ़ी यतीम, यतीम बचे ने तो बेवा औरत है, जी सब्जी घर पकाने वास्तव लिया उन्होंने घर नहीं छा, जो राशन अपने घर में लिया पूरा महीने का राशन उन्होंने घर नहीं छा, और ये काम खामोशी कर रहे। अल्लाह ताला दी ज़ात है दसो ये चीज़ा बहुत पसंद है। कुरान मजीद में आता है कि ऐसे लोगों को तुसी चेहरे तो पहचानो, मुआशरे का इस तरह जो तबका वे, और मैं कुछ लोग थोड़े जो सवाल करके लिख लेते हैं चंबड़ जाते हैं सवाल करते हैं, तो कुछ लोग ने जो सवाल बिल्कुल नहीं करते, बस औकात बिल्कुल साफ सुथरा लिबास पाया है और वजह लगा बिल्कुल सही है, लेकिन अंदरों चले खोखले, जेब पैसे कोई नहीं, जरूरी याद भी पूरी नहीं होती। फरमाया कि तारिफ मसीब आओ, तुम ऐसे लोगों को चेहरे तो पहचानने का फन जानो, और बंदा पहचानना चाहे तो पहचान नहीं जाए। सानू इन गलों का पता होता है ना कि फलां घर के की हालात ने, अल्लाह ना करे किसी का कोई मुंडा पैड़ा निकल आए, कोई लोग निकल आए, सानू पता होता फलाने का मुंडा चोर है, खुदा ना खासा सुबह खुदा ना खासा किसी की कोई बेटी बहू जी इस तरह से निकल आए, सानू उन्हें गलों का पता होता, तो लैंता सानू बिल्कुल पूरा पता होता। लेकिन यह कि हो सकता है कि सानू यह ना पता हो कि इस घर के हालात किस तरह ऐसे लोग तलाश करो, पता करो, चेहरे पढ़ो कि बंदा जहरी वजह करता तो इस तरह बिल्कुल सही लगती है, मुतवसत तबका लगता है, लेकिन इधर तो भुख लगता है, और फरमाया कि दर पर्दा खिदमत की थी जाए, फरमाया कि असाई अल्लाह तआला दी पर विस्के दी असाई फी सबील अल्लाह, ये बंदा से उस सवाब को पाता है क्या किस वक्त जेड़ा सवाब मुजाहिदीन को मिलता है। फिर आपने फरमाया, या फिर रावी कहते ने अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कल कायम लाया, ऐसा बंदा है ऐसा सवाब पा रहा है कि जिस तरह कोई बंदा रात भर क्याम करता है और मुसलसल वो क्याम करता है, मुसलसल नफल पढ़ता है और मुसलसल रोजे रखता है, ये अमल कोई आसान तो नहीं ना, त्री रोजे रखे ना तो पता लग गया किमें रखी दे। अल्लाह ताला ने एवं नहीं आखिया अजर मैं ध्यान का फरिश्तों के वास्ता नहीं कम गए, यह बंदे के वास्ता भी कम नहीं, छेती रोजे रखे रब्बा बड़े औखे रखे जाते। मैं कभी गौर करना कि अल्लाह ताला की जात दसते कैसा कमाल फैसला किया है, पर मैं रोजा जो रोजा ये एक राज है अल्लाह के दरमियान बंदे दरमियान, रोजा रहा से फरमाया मैनू पता है कि अजर मैं तैयार हाँ, कोई मामला आना मेरा है तू
ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸਵਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਬੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਕੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾ ਵਕਾਫਿਲੁ ਲਯਤੀਮ ਲਹੂ ਵਲਗੈਰਿਹਿ ਫਿਲ ਜੰਨਤਿ ਹਾਕਦਾ ਵਾਸ਼ਾਰਾ ਬਿਸਸਬਾਬਤਿ ਵਲਵਸਤਾ ਫਰਜ ਬੈਨਹੁਮਾ ਸ਼ੈਅ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤੀਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਔਰ ਯਤੀਮੀ ਬਲੂਗਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਯਤੀਮੀ ਹੈ ਬਲੂਗਤ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਭ ਉੱਠ ਗਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੋ ਰਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖੈਰ ਖਾਈ ਰਹਿਮ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਮਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤਰਹੁ ਮੇਰੀ ਰਫੀ ਤਰਾਹੁ ਬਿਹਿਮ ਬਤਬਾਤ ਬਿਹਿਮ ਬਤਾਤ ਬਿਹਿਮ ਕਮਸਲ ਜਦਦ ਜਸਾ ਦੇ ਜਦਸ ਤਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਔਰ ਸੁੱਜ ਜਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨ ਮੋਮਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਤਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਫਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਲ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿੰਦੇ ਲੈ ਲਏ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਵੇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੇਤਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਰਹਿਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਫਾਉ ਤੋ ਜਾ
कि लोगों के कामों में ये भी काम है कि किसी जगह उत्ते सिफारिश नाल अगले का काम होता है, किसी का काम को रुकिया है अड़िया है तो तुम सिर्फ जुबान को दो बोल बोल देते हो तो सिफारिश का काम होता है। आपने फरमाया सिफारिश करो तो अगले का काम होता है और अल्लाह ताला दे हाँ यह भी अजर मिलेगा। फिर आपने फरमाया कि जालिम की भी मदद करो मजलूम की मदद करो। अल्लाह के रसूल इस गल का तो पता लगता है कि मजलूम की मदद करनी है और उन्होंने जुल्म को बचा रहा है, लेकिन जालिम की मदद किस तरह है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मजलूम की मदद जी इस तरह है कि तुम उन्होंने जुल्म करो तो रोक दो ताकि अल्लाह के अज़ाब तो बच जाए। ज़ालिम की भी मदद करो मजलूम की मदद करो, मजलूम को उसके चुंगल को छुड़ा दो तो ज़ालिम को रोक दो ताकि वो भी अल्लाह का अज़ाब बच जाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दिल में नरमी और प्यार और मोहब्बत और एहसास इस तरह का भी होना चाहिए। इज़ा कुंतुम सलासतन फलायतन आज़ाद दूर आखर पर बात दो बंदे बैठे हैं, तीन बंदे बैठे हैं या कुछ एक दो बैठे हैं, अगर तीन बंदे बैठे हैं फिर बात दो बंदे बच्चे करना की गल ना कर, तीन बैठे हैं तो दो फिर इकट्ठे होके ना तो सिर जोड़ के फिर बात कान की गल ना कर, सरगोशी करे कान में गल करे और तीसरे बंदे होगा पता नहीं कि गल की है शायद मेरे बारे में गल की। तो फरमाया कि किसी इन्नी भी तकलीफ ना दो, कोई बंदा किसी दुख ना दे कोई तकलीफ ना दे। आपने फरमाया मोमन मोमन का भरा है ना उन्होंने तकलीफ देवे ना उन्होंने जुल्म करे अब तकवा आ होना। फरमाया तकवा जरा इंसान का उसी दे और मोमन का यह काम बनता है कि जड़ी चीज अपने वास्ते पसंद करता है वो दूसरे भरा वास्ते पसंद करता है और जिंदगी के हर मामले में बंदा अल्लाह के बंदे होते रहम करता रहे फिर अल्लाह ताला रहम करता है। वरना फरमाया खाली इबादत एक कामल लिखी नहीं, कामल लिखी है कि मखलूक से विराम किया जाए और जरूरियात का ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला दे कोल दुआ है कि परवरदिगार साहू दिलों में शफकत नरमी अता फरमाए और दिलों में जी सख्ती है ये सख्ती बदबख्ती अल्लाह ताला इसको महफूज फरमाए और इबादत के नाल हो कुल इबादत के अल्लाह ख्याल रखे तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अजीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जब्बारुल करीम व लकुम बर रब्बुकुम।